टुडे वी लाइव हियर इन फिरोजपुर, फर्स्ट एपिसोड ऑफ खास मुलाकात फ्रॉम बढ़ते कदम वेब टीवी वेब चैनल एंड पंजाबी न्यूज़पेपर। आज हम फिरोजपुर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोफेशनल स्कूल डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सीईओ मिस्टर अनिरुद्ध गुप्ता जी से कुछ खास मुलाकात करेंगे, जिसके बारे में उनकी अचीवमेंट्स, उनकी जो स्कूल के बारे में प्लानिंग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो डीसीएम ग्रुप की बात करें तो 1947 के बाद फर्स्ट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो मालवा बेल्ट के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया। जो इनके फाउंडर थे एमआर दास जी, उनका ये प्लान था कि फिरोजपुर के अंदर नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर और अब्रॉड कंट्री के अंदर इनकी ब्रांचेस हों और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशल अचीवमेंट्स प्राप्त हों। तो आइए सर, बात करते हैं सीईओ डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मिस्टर अनिरुद्ध गुप्ता जी। हाँ जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम टू यू इन आवर चैनल्स बढ़ते कदम। सो फर्स्टली आप सर डीसीएम ग्रुप के बारे में सर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। सर देखिए, जो डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, इसकी जो नींव रखी गई थी, जो फाउंडेशन रखी गई थी, वो 1946 में 1946 में रखी गई थी ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस टाइम। उसके बाद 1947 में इसको यहाँ पे रीलोकेट किया गया था और 1947 से अभी 2018 तक ये पिछले 72 साल की एक जर्नी है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव था, जो फाउंडर थे उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ था तो बाकी सब चीज़ों के साथ साथ एक क्वालिटी एजुकेशन की भी एक हमारे कंट्री को ज़रूरत थी। सो तब से जो एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए कि हमारे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारे सिटी के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारी कंट्री के लिए कुछ ऐसा कर सकें विच बेनिफिट्स एवरीबडी, कि ना कि सिर्फ वो अपने परिवार के लिए बल्कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ सकें, देश को आगे ले जा सकें। हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे US है, चाइना है, फ्रांस है, उनसे तभी हम कम्पीट कर पा। तो जो इंडिया का यूथ है वो ग्लोबल लैंडस्केप पे अपना अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। फिरोजपुर के स्कूल्स की बात करें तो आपका जो स्कूल है, ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, वो नंबर वन आई थिंक। तो इसके पीछे आपका जो मेन टारगेट है, जो आपने अचीवमेंट्स की हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, वो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7 दशक सस्टेन करना और ग्रो करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें हज़ारों लोगों की मेहनत, हमारे टीचर्स की, हमारे स्टाफ की, हमारे प्रिंसिपल्स की, पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें सबका योगदान है। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। जो इसका एक USP है वो ये है कि जो DCM स्कूल है, स्टार्टिंग से ही इट हैज़ केप्ट पेस विद टाइम्स। इसने अभी कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रहने दिया। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई रिसर्च होती है, तो उस टेक्नोलॉजी कोशिश होती है कि उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे वो 3D टेक्नोलॉजी है, चाहे 4D टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो रोबोटिक्स में है। तो पिछले 7 दशकों से जो भी वर्ल्ड में कोई स्कूल क्षेत्र में K-12 सेगमेंट में कोई रिसर्च हुई है, कोई न्यू प्रोडक्ट आया है, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात ले लें हम, स्मार्ट बोर्ड्स की बात ले लें हम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात ले लें, तो हमेशा जो है कि बदलाव के साथ अपने आप को बदलना और एक मेहनत करते रहना, नई सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई शक्ति के साथ, और वो सब कुछ करना जो आज के इस युग में बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो वो साथ साथ चीज़ें चलती रही हैं, साथ साथ जो भी मेंटेनेंस है, डेवलपमेंट है, पहले जो है
बड़ा एक टाइम कुछ और था। आज के दिन बच्चों को एक अच्छा एक कंफर्टेबल माहौल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए है, मोबाइल ऐप्स आ गया है, अब सब कुछ जो सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को पहले सर्कुलर के थ्रू जाती थी, अब वो सारी अटेंडेंस से लेके होमवर्क से लेके डेली एक्टिविटी से सारी इन्फॉर्मेशन उनको मोबाइल ऐप पे चली जाती है। तो एक ये कड़ी मेहनत का, लगन का, सोच का नतीजा है कि डीसीएम स्कूल आज इस मुकाम पे पहुंच पाया है। स्पोर्ट्स के एरिया की अगर बात करें तो आपके स्कूल का भी नंबर वन रैंक है मालवा जोन में, तो उसके स्पोर्ट्स के लिए एक स्पोर्ट्स जो है अभी आपने देखा होगा जो भारत सरकार है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, सीबीएसई है, उसने भी स्पोर्ट्स को अभी एक एड ऑन नहीं है, स्पोर्ट्स हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट और बच्चों के लिए फिज़िकल और हेल्थ एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है। और स्पोर्ट्स में भी आज के दिन स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, ये नहीं है कि एक स्पोर्ट्स टीचर है और वो सब गेम करा रहा है, तो बड़ा एक साइंटिफिक तरीके से बच्चों की सिलेक्शन होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग कोचेज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सो जिसका नतीजा है कि आज के दिन जो बच्चे स्पोर्ट्स में सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो जो है अपना नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आपकी इतने डीसीएम ग्रुप की ब्रांचेज हैं, आप इतनी कम उम्र में उनको संभाल रहे हो, कैसे आप इतना कुछ मैनेज कर लेते हो? देखिए जी, ये तो इट्स गॉड्स ग्रेस एंड आई स्टार्टेड अर्ली और मुझे ये लगता है कि मैंने पिछले 20 साल में 40 साल जितना काम किया है, इट्स द यू नो विशेज ऑफ द पेरेंट्स, सोसाइटी में लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी और हमने कोशिश की है कि टू लीड बाय एग्जांपल। अगर हम किसी को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 8 घंटे काम करे तो हम खुद 10 घंटे काम करते हैं, हम 12 घंटे काम करते हैं, सो दैट यू नो वी कैन क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। और एक फोकस, एक डिसिप्लिन, एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। आई एम लकी के यू नो मुझे पूरी दुनिया में स्कूल्स विज़िट करने का मौका मिला, मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में और अब्रॉड में जाके स्कूल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात भी करता हूँ, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के ऊपर मेरा काफ़ी एक रिसर्च खुद मैंने किया है। सो आई थिंक इट इज़ गॉड्स ग्रेस एंड बेस्ट विशेज एंड सपोर्ट ऑफ ऑल द नियर एंड डियर वंस के यू नो मैं आज आपके सामने बैठ के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। स्पेशल नीडी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी है सर आप प्रोवाइड करते, कोई स्पेशल फैसिलिटी हो उनके लिए? देखिए ये भी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विषय है, सो आपको बता के मुझे खुशी हो रही है कि हम फिरोजपुर में एक स्पेशल स्कूल सेटअप कर रहे हैं। सब स्कूल्स में हमने क्लिनिकल काउंसलर्स भी अपॉइंट किए हैं, लेकिन एक स्पेशल स्कूल सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, सो उनका विकास हो सके, उनको जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ उस लेवल पे एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिल सके। सो जल्दी ही हम एक फिरोजपुर में स्पेशल स्कूल जो है सेटअप कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग सर आपकी डीसीएम ग्रुप के बारे में? देखिए पहले तो वी आर नॉट इन अ रैपिड एक्सपेंशन स्प्री दैट वी डू नॉट वांट टू ओपन मोर स्कूल्स और वेंचर इनटू हायर एजुकेशन। सो हमारा है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, जो हमारे जैसे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, हमने कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं, फ्री कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर रहे हैं। सो काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स हैं हमारे, लेकिन जो इन सब प्लान्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि यू नो समाज में एक नए माइलस्टोन्स अचीव करना, एक बेंचमार्क सेटअप करना कि एजुकेशन को क्या दिशा होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए आने वाले टाइम में चाहे वो बच्चों की एक कंपटीशन का एस्पेक्ट है, उनको डिफेंस में भेजने का एस्पेक्ट है, तो जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो आने वाले टाइम में डीसीएम हर उस एरिया में काम करेगा
और कोशिश करेगा कि जो उसकी लेगेसी है, जो उसका पिछले 60-70 सालों का इतिहास है, उसको और आगे बढ़ाया जा सके, आगे लेके जा सके। हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स सबको साथ लेके जो है इस टाइप की एक एजुकेशन की व्यवस्था हो, दैट इट इज़ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। और जो हमारे इस एरिया के बच्चे हैं वो अपना नाम जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आज के दिन DCM का बच्चा हर क्षेत्र में जो है अपना नाम कमा रहा है, चाहे वो इंडिया का बेस्ट शेफ़ हो, या एक पॉलिटिशियन हो, या एक फिल्म पर्सनैलिटी हो। सो हम चाहेंगे कि जो भी आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटीज़ हैं, जो आज के लिए बच्चों को उस पायदान तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी बच्चों को प्रोवाइड की जा सकें। और जो DCM है, जिसका लोगों के ऊपर विश्वास है, एक ट्रस्ट है, वो आने वाले समय में विश्वास और ट्रस्ट बना रहे, और जो स्कूल है अपनी पहचान से, अपने नाम से भी आगे बढ़कर काम करें। एक लास्ट क्वेश्चन, की पेरेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके बच्चे जो हैं वो गोइंग टू फर्दर स्टडी इन अब्रॉड कंट्री, एंड उनके पास इतनी मनी नहीं होती है उनको वो अब्रॉड में सेटअप कर सकें, तो यहाँ इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, इंडिया के बच्चे बाहर स्टडी करने के लिए? देखिए, बाहर जाके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, और हमने जो ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है या ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहता है, तो वाई नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, फाइन, लेकिन यह है कि वो वहाँ से सीखे, एजुकेशन हासिल करे, और यहाँ आके वापस जो है वो उसको समाज को उसका फ़ायदा हो सके। और एज़ फार एज़ अफोर्डेबिलिटी की बात है, तो काफ़ी वर्ल्ड की जो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो वो बच्चों का टैलेंट देख के उनको 100% स्कॉलरशिप तक ऑफ़र करती हैं। ज़रूरत है उसके लिए अवेयरनेस की, कैसे उन यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना है, किस कोर्स के लिए किस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है, उसके लिए आपने अपना CV कैसे बनाना है। सो जो यूनिवर्सिटीज़ देखती हैं बच्चों में, वो सिर्फ ये नहीं देखती कि बच्चे के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स हैं, वो बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है, वो बोलने में कैसा है, उस वो समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, उसकी सोच क्या है, स्पोर्ट्स में क्या कर रहा है, तो बच्चों का ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको देखा जाता है। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है कैरियर गाइडेंस के तौर पे, कि बच्चों को जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया जाए, उनमें कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या उसके लिए टेस्ट होंगे, तो उन सब की यहाँ पे ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही है, और कोशिश होगी बच्चों को मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सके, जिससे वो दुनिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाके पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकें। उसके लिए बच्चों को हर टाइप की संभव सपोर्ट और गाइडेंस जो है, वी विल मेक इट अवेलेबल। थैंक यू, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे चैनल के लिए और बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, आपने इतनी नॉलेज की बातें की, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे पेरेंट्स को आज के टाइम में? देखिए, मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को समय दें, उनकी एजुकेशन को प्लान करें, फाइन, उनके साथ बैठ के एक डिस्कस करें कि वो बच्चे क्या करना चाहते हैं। और ये जितना टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका एक जॉइंट एफर्ट होता है कि बच्चे कुछ बन सकें, सो पेरेंट्स की अपने बच्चों को सक्सेसफुल कैरियर तक ले जाने में बहुत ही अहम भूमिका है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि वो मैक्सिमम टाइम जितना भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनसे एक फ्रेंडली माहौल में बच्चों को वो अपना घर में एक एनवायरनमेंट दें, और जो भी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, तो उनकी एजुकेशन को कैसे बेस्ट से बेस्ट उनको प्रोवाइड की जा सकती है एजुकेशन, वो प्रोवाइड करें, और सिर्फ ना कि उनको पढ़ाई में आगे लेके आएँ, उनको अलग अलग एरियाज़ में भी जो है वो प्रोत्साहन दें, उनको इनक्रेज करें, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो क्रिएटिव आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, तो बच्चे जो हैं आजकल किसी भी एरिया में जो हैं आगे निकल सकते हैं, तो वो बच्चों की क्रिएटिविटी को किल ना होने दें, उनका एक जो
नेचुरल एक थॉट प्रोसेस है, उनको इनक्रेज करें, उनको सपोर्ट दें। और मैं सब बच्चों को और पेरेंट्स को अपनी तरफ से और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहूंगा कि सबके बच्चे जो हैं वो उनका अच्छा भविष्य हो, और वहां से पढ़ के जो है अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने ज़िले का जो है नाम जो है विश्व स्तर पर रोशन कर सकें। और मैं आपके चैनल को भी जो है अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी जर्नलिज़म में काफ़ी शौक़ है। मैं पिछले काफ़ी सालों से इस फील्ड के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो आई रियली अप्रिशिएट जो आपने ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और मुझे लग रहा है कि यू नो आने वाले टाइम में ये जो चैनल है अपना काफ़ी नाम जो है कमाएगा। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।